नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा किसनी में सपा बसपा के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही पार्टियों के सेक्टर प्रभारी व बूथ प्रभारी मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता अमित चट की रिपोर्ट। कस्बा किसनी में गुरुवार के नगर के राम सिंह महाविद्यालय पर सपा बसपा संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में दोनों पार्टियों के बूथ प्रभारी सेक्टर प्रभारी मौजूद रहे। सपा जिला अध्यक्ष खुमान सिंह वर्मा ने कहा कि सपा बसपा के गठबंधन से भाजपा में खलबली मची हुई है। जनता केंद्र की अतताई सरकार को हटाने के लिए तैयार बैठी है। भाजपा सरकार ने देश की मूल भावना से खिलवाड़ किया है, जिसका जवाब जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। बसपा जिला अध्यक्ष शुभम सिंह ने कहा, संयुक्त बूथ सम्मेलन में के आयोजन में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में चुनाव के समय परस्पर सामंजस्य रहेगा। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से गठबंधन को मजबूत करेंगे। सम्मेलन में विधायक ब्रजेश कठेरिया, पूर्व मंत्री तोताराम यादव, चेयरमैन अनिल मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य विपिन राज यादव, बसपा पूर्व जिलाध्यक्ष दीपक पेंटर, सुनील वर्मा, जगराम सिंह, नरेंद्र सिंह सहित आदि लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनप्री। जिलाध्यक्ष जी, आज ये जो सपा बसपा का संयुक्त बूथ सम्मेलन है, इसका क्या उद्देश्य है? इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, जिस प्रकार से आपको मालूम है 12 तारीख को बहन जी ने और माननीय अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे गठबंधन में मोहर लगाई, तो जिला स्तर पे, विधानसभा स्तर पे इस गठबंधन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन चूंकि सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, तो सेक्टर और बूथ के कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य बने, आपस में भाईचारा बने, आपस में मेलजोल बढ़े, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। जिलाध्यक्ष जी, आज जो सपा बसपा का संयुक्त बूथ सम्मेलन है, इसका क्या उद्देश्य है? भाई, जो बेईमान, भ्रष्ट और तानाशाह जो सरकार पर काबिज है, जो हमारे मूल अधिकारों तक का हनन करते हैं, संविधान से आरक्षण को खत्म करने जा रहे हैं, ऐसे आपताई और अन्यायी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए समान विचारधारा के दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गठबंधन किया है इस आपताई सरकार को उखाड़ फेंकने। इस बूथ सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? इस बूथ सदस्य के ये है कि हम सामाजिक स्तर पर भाईचारा बना करके बूथ स्तर तक हम अपना तालमेल बिठा लें, और बिठा करके समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर बूथ को पर 100%, 90%, 85% तक मतदान करके बूथ पर विजयी हासिल करें। बूथ से ही, वोट से ही सरकार हटाई जा सकती है। इन आता ही अत्याचारों को वोट से हटाया जा सकता है।